Hello everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding the TIFR JS 2023 application forms. So Tata Institute of Fundamental Research Graduate School 2023 के लिए invite किए गए हैं application form for PhD program और integrated MSc PhD program. तो यहाँ पे आपको PhD program offer किया जा रहा है biology, chemistry, computer and systematic science, mathematics, physics, physics of life and science एजुकेशन. अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी का तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए प्रोवाइड किया गया है. तो आपका जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट में वो ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू होगा, विच विल बी कंडक्टेड थ्रू आउट द इंडिया एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. सो लास्ट डेट जो है रिसीविंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अक्टूबर 31, 2022, मीन्स 31 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग. और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा इट विल बी ऑन संडे December 11, 2022. तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि आपका लास्ट डेट कब है, कब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा. सो वी विल सी इन डिटेल कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और अदर थिंग्स. तो जैसे ही आप टिफर की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टिफर हैज़ कैंपसेस इन मुंबई, पुणे, बेंगलोर एंड हैदराबाद. तो यहाँ पे इसका कैंपसेस कहाँ कहाँ पे हैं ये दिया गया है आपको, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, या फिर अगर हम पर्टिकुलरली बायोलॉजी की बात करें तो पीएचडी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी यहाँ पे अगर आपको बायोलॉजी में करना है तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है टिफर मुंबई, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु में अवेलेबल है, टिफर सेंटर फॉर इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेज आपका टिफर हैदराबाद में अवेलेबल है. तो इसकी वेबसाइट पर जाके आप अच्छे से और डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में देख सकते हैं. अगर आप किसी और उससे बिलोंग करते हैं लाइक फिजिकल साइंसेज, यहाँ पे और चीज़ों का भी डिटेल में दिया गया है. सो अगर हम लाइफ साइंसेज की बात करें तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है सारी इंडिविजुअल, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं. अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी अगर कैंडिडेट इन द फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल हैं. अगर हम कैंडिडेट फॉर बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड CV, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड साइंटिफिक राइटअप. मीन्स यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू का सिलेक्शन होगा, आपके रिटन टेस्ट मार्क्स जो 11 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है उस पर, आपका CV कैसा है, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसा है, साइंटिफिक राइटअप आप जो देंगे रिसर्च प्रपोजल उसके बेसिस पे किया जाएगा. तो फॉर PhD आपको मास्टर्स होना चाहिए इन बेसिक साइंसेज लाइक MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और एनी प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री MPharma, MTech और अ 4-year डिग्री प्रोग्राम ऑफ MBBS या BDS, स्टूडेंट होल्डिंग एन MSc डिग्री इन नॉन बायोलॉजी डिसिप्लिन सच एस केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक, कंप्यूटर साइंस, हु विश टू ऑब्टेन MSc इन बायोलॉजी विल बी ऑफर्ड द ऑप्शन ऑफ इनरोलिंग फर्स्ट PhD प्रोग्राम एट द चाइनिंग. तो यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में दिया गया है आपका मास्टर्स किस में होना चाहिए. अगर आपका मास्टर केमिस्ट्री वगैरह में है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप इंटीग्रेटेड PhD की बात करें तो BSc इन एनी बेसिक साइंसेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और 4-year डिग्री आपका होना चाहिए BTech का, BE का, BBSc का, BPharma का 4-year कोर्स. तो इसलिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. और भी जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स इन लाइफ है, यहाँ पे सब चीज़ों का जो एलिजिबिलिटी है इन डिटेल प्रोवाइड किया गया है तो आप देख सकते हैं. अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बायोलॉजी के लिए सिलेबस की बात करें, द टेस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेसिक्स ओनली इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी. तो यहाँ पे कोई गाइड बुक और सिलेबस कोई अप्लाई आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बट यहाँ पे बेसिक्स कवर होगा फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. जो भी आपका बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है वही सबसे आपका MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो आपका टेस्ट होगा. अगर हम फेलोशिप की बात करें तो अगर हम PhD स्टूडेंट की बात करेंगे तो PhD में जो मंथली फेलोशिप है इट इज़ 31,000 प्लस हॉस्टल एकोमोडेशन और HRA एज एप्लीकेबल, और बाद में ये इनहेंस हो जाता है 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन. अगर हम इंटीग्रेटेड PhD की बात करें तो मंथली फेलोशिप आपको मिलेगा 21,000 फॉर फर्स्ट ईयर. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस द फेलोशिप विल बी इनहेंस फॉर 31,000 पर मंथ एंड देन इट विल बी रेज टू 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर PhD. इफ स्टूडेंट टेक MSc एग्जिट ऑप्शन देन द फेलोशिप फॉर थर्ड ईयर इज रिड्यूस फॉर टू द फर्स्ट ईयर अमाउंट. तो यहाँ पे अगर आप एग्जिट लेते हैं तो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या प्रोसीजर होगा. तो एडवर्टीजमेंट यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म बिगेन होने वाले हैं, उसके लिए आप यहाँ पे इस पेज पर डाउनलोड कर सकते हैं. अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रहेगा 1,000, फीमेल के लिए 500 और अदर्स के लिए 500. तो यह ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है.
अगर आपको वेवियर चाहिए फ़ी के लिए, तो आप अगर आप फाइनेंशली प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रिंसिपल से या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से आप यहाँ पे लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशन जो भी आपको यहाँ पे प्रोसीजर दिया है उसके साथ लिखवा सकते हैं। स्टूडेंट में क्लिक ऑन द फी वेवियर ऑप्शन ऑन द पेमेंट सेक्शन एंड अपलोड द स्कैन कैटेगरी, तो जो भी है यहाँ पे सैलरी स्लिप जो आपका होगा वो सबके साथ लेटर रिकमेंडेशन के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको फ़ी वेवियर के लिए अप्लाई करना है, अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो। एग्ज़ाम के जो सेंटर्स रहेंगे यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि इतने स्टेट्स में कहाँ कहाँ पे सेंटर्स रहेंगे, तो आप डिटेल में देख सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। टेस्ट की जो टाइमिंग रहेगी वो बता दिया है कि एग्ज़ामिनेशन डेट होगा संडे दिसंबर 11, 2022 के लिए। और अगर हम टाइमलाइंस और डेडलाइंस की बात करें तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्लियर कर दिया गया है। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो बाय 8 अक्टूबर 2022 से ओपन हो चुका है। लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। जो टिकट डाउनलोड है वो एंड ऑफ नवंबर तक हो जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा वो बाय मिड जनवरी 2023 हो जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग फरवरी 2023 या फिर एज़ पर द इंडिविजुअल टिफर सेंटर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। उसके बाद स्टार्ट डेट फॉर गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशन वो होगा फरवरी, अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं वो होगा 1 फरवरी 2023 से। लास्ट डेट फॉर गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशन इट विल बी सेकेंड वीक ऑफ गेट 2023 रिजल्ट डिक्लेयर ऑन देयर वेबसाइट। फिर यहाँ पे जेस का और जेस 2023 का जो है टू बी अनाउंस लेटर। आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट डेट होगा इट विल बी फ्रॉम अगस्त 1 अगस्त 2023। तो यहाँ पे सारा सब कुछ डिटेल प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आपको कुछ भी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी उन्होंने आंसर किए हुए हैं, अगर आपका इनमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। लाइक डस डिफर हैव एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो यहाँ पे नो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो लोग ऑफर नहीं करते। अगर डेजर्टेशन के रिगार्डिंग आपका कोई FAQ है तो वो आप सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, बहुत सारे FAQ। अगर इनमें से आपका कोई रिलेवेंट है तो आप देख सकते हैं। सो अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको बिगेन एप्लीकेशन में फॉर्म क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपना एलिजिबिलिटी ये सब डिटेल में देख लीजिए जो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ फिल करना है। रजिस्टर टू गेट योर यूजर ID एंड पासवर्ड, तो यहाँ पे टाइटल एप्लीकेशन, आपका नेम, आपका सरनेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, डेट ऑफ प्लेस, कहाँ पे आपका बर्थ हुआ था, 10, 12, कंफर्मेशन, मोबाइल नंबर, किस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे OTP आएगा। इस तरीके से आप फाइनली ये कैप्चा फिल करके सबमिट कर सकते हैं। आपको आपका ID पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना ID पासवर्ड ले लेंगे तो यहाँ पे आप फिर लॉगिन कर सकते हैं उस ID पासवर्ड से, और उसके बाद फर्दर जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा इन डिटेल रिगार्डिंग द फेलोशिप, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैंपस और सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, एडवर्टीजमेंट हमने बात कर ली है, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ी, एग्ज़ाम सेंटर, टेस्ट टाइमिंग, डेडलाइंस क्या है। अगर आपको कुछ भी डाउट है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं हो सकता तो आप ईमेल कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, और डिटेल एडमिशन FAQ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।